हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम 3 किलो वाट सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं और कौन से लगाने चाहिए, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक सोलर सिस्टम का स्टैंड बना हुआ है और बेसिकली इसके ऊपर हमने 12 पैनल लगाने हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमने जो है 14 गेज की एंगल के साथ बनाए हैं प्रॉपर, क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है पैनल का, आपको पता है। तो 20 केजी की एक पैनल है, दैट्स वाई हमने इसको प्रॉपर तरीके से बनाया है और कलर भी कर दिया ताकि इसको क्रूजन ना लगे, और ये सपोर्ट वगैरह भी दे दिया है। मार्केट में तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेडीमेड स्टैंड भी होती हैं, लेकिन हमने ये वाला बनाया। इसकी वजह ये थी कि आसपास धूप हमारे पास नीचे नहीं आती थी, तो इस वजह से हमने वो नीचे वाले स्टैंड नहीं लगाया, तो ये एक प्रॉपर बड़ा स्टैंड बना दिया। अच्छा, तो फ्रेंड्स, हमने फाइनली अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है और ये हमारी 12 प्लेट वाली पर की, ये हमने इनकी 4x3 की मैट्रिक्स बनाया है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से एक, ये जो हमने आपको स्टैंड पहले दिखाया था उसके ऊपर फिट हो चुकी हैं। मैं आपको इसकी बैक से भी चेक करवा देता हूँ। ये ऑस्ट्रो एनर्जी की कंपनी है, ये आप देख सकते हैं 350 वाट की एक प्लेट है, ओपन सर्किट पे 46 है और शॉर्ट सर्किट पे इसके एम्पेयर जो हैं वो 9 एम्पेयर ये निकालती है। तो ये ऑस्ट्रो एनर्जी की वेबसाइट का लिंक भी नीचे इन लोगों ने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये नीचे लिखा हुआ है। और ये हर प्लेट को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसके सीरियल नंबर के साथ, इन्होंने हर प्लेट के बिल्ट इन लगाया हुआ है, मिरर के अंदर है ये, ऊपर नहीं लगा हुआ। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमने इसको इंस्टॉल किया। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अपने ये जो कंपनी ऑस्ट्रो एनर्जी, इनकी वेबसाइट पे जाके एक प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं, बाकी भी सारे कर सकते हैं। तो ये इनकी जो वेबसाइट है यहाँ पे हमने चेक करते हैं सीरियल नंबर जो बिल्ट इन है उसके थ्रू। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 6361620382433059012। तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट का नंबर था, तो मैंने इंटर कर दिया। अब देखते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट वाकई देते हैं या ये एक झूठ है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, इसने ये प्रॉपर बता दिया है, ये उसका नेम, सीरियल नंबर, बारकोड, मॉडल कौन सा है, कब मैन्युफैक्चर हुई थी, मैक्सिमम पावर क्या निकाल रही है शॉर्ट सर्किट के ऊपर, जैसे मैंने आपको भी बताया था वीडियो में भी 9.62 एंड मैक्सिमम उसका करंट भी आपको नज़र आ रहा है, ओपन सर्किट के भी वोल्टेज नज़र आ रही है आपको। तो इसका मतलब ये बिल्कुल वेरीफाई प्लेट है, ऐसे ही आप सारी भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी वायरिंग देखते हैं तो ये हमने यहाँ पे 6-6 की सीरीज़ बना के दो को पैरेलल कर दिया है। और ये जो हमने वायर यूज़ किया है ये 10mm ट्रिपल कोर कोरियन वायर है, और इसको हमने ये सारे का सारा पाइप लगा दिया है ताकि ये पानी में ख़राब ना हो धूप की वजह से, तो ये यहाँ पे प्रॉपर लगी है। और ये कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट 6 को हमने आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किया है और ये फिर इन 6 को भी हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया, इन दो को हमने आपस में पैरेलल कर दिया। होपफुली ये आपको समझ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हमने ये सारा इंस्टॉल जो कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर ब्रेकर लगाए हैं सेफ्टी के लिए। और ये अब हमारे पास जो इन्वर्टर है, हम उसकी सेटिंग को देख लेते हैं। हमारे पास पीवी से 11.7 वोल्ट 2.6 वोल्ट आ रहे थे, वो एम्पीयर थे, और ये आप देख सकते हैं 2.45 किलोवाट पीवी से जनरेट हो रहा है, 7 एम्पीयर बैटरी ले रही है, 189 वाट बैटरी रिसीव कर ली है और 212 वोल्ट यूज़ हो रहा है। तो आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, लोड देख सकते हैं 22.4 किलो वाट का हमारे पास ये यूज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हमने बैटरी यूज़ की है वो टॉल ट्यूबलर बैटरी है, आप देख सकते हैं हमारे पास हुंडई की कोरियन बैटरी है। और ये सारे का सारा सेटअप आप कंप्लीट इंस्टॉल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये ब्रेकर लगा दिए हैं, चेंज ओवर लगा दिए हैं, हुंडई बैटरी लगा दी हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।